और देखिए हम इस समय जहाँ लुधियाना में हैं तो जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं स्पीड लिमिट क्या होती है, गाड़ी कितनी तेज चलती है, कोई यहाँ पर ये अभी पहले जिस रोड पर हम जा रहे हैं फ्लाई ओवर पर जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर पहले रडार वाली गाड़ी होती थी, स्पीड लिमिट वो चेक कर लेते थे कितनी गाड़ी तेज आ रही है, लेकिन काफ़ी समय हो गया वहाँ पर कोई नहीं है चेकिंग करने वाला, अब जैसा जी चाहे वैसे भगाओ। तो अभी देखिए हम इधर जा रहे हैं, ये जिगराओं का पुल है तो इधर हम टर्न करेंगे जलंधर बाईपास की तरफ, तो देखिए जी अभी इधर तो अभी हमको थोड़ा रास्ता नहीं मिला, अभी रास्ता मिलेगा तो चलेंगे, अभी हम जब चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं यार, हम भी देखते हैं तो आपको दिखा दे, वो सामने बिल्डिंग देखिए जी लुधियाना शहर की पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर एक, वो भी दिखा दे, वो सामने दिखा, हाँ देखिए वो सामने बिल्डिंग वो भी पुरानी है, ये पुराने शहर का एरिया, वो भी सामने दिखा एक पुराना जो है घर, और देखिए वो सामने, वो सामने ये पुराना शहर है जो मेलरगंज यहीं से शुरू होता था लुधियाना शहर का, ये देखिए ये पुराने जो है 1947 से पहले के कुछ घर हैं जहाँ पे, ये देखिए ये सामने कबूतर बैठे हैं जहाँ पे, वो भी सामने देखिए एक और घर है, तो ये लुधियाना शहर का पुराना शहर है, इधर देखिए फील्डगंज का एरिया है, तो उस तरह के बाद ये नौलखा सिनेमा वाला रोड है इधर, तो यहाँ पर ये देखिए ये रेलवे स्टेशन के बाहर की जो मार्केट है, ये रेलवे स्टेशन के बाहर जो होटल बने हुए हैं वो हैं, हम फ्लाई ओवर है जो घंटाघर के पास बना हुआ उसके ऊपर है ये सब है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं जहाँ पर जो स्पीड लिमिट है, जहाँ पर बोर्ड आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी, अगर अभी कोई नहीं बोर्ड मेरे को दिखाई दिया स्पीड लिमिट कितनी चाहिए जहाँ पे, जब कोई आगे 40 की स्पीड है जहाँ पर, इस समय 40 पर गाड़ी है मेरी, ये 40 पर गाड़ी चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, इतनी तेज़ गाड़ी चले गई, तो देखिए घंटाघर भी सामने आ रहा है, बंटी वो भी दिखाओ, जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो देखिए जो सामने जो लुधियाना शहर है मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, वो घंटाघर सामने आ गया, वो देखिए घंटाघर है लुधियाना, जो अंग्रेजों ने अपने वक्त बनाया था इसको पूरी, वो जो है इस समय जहाँ पर जो इसका डिजाइन है वो है क्रिश्चियन जैसे होता है कम्युनिटी का, वो CMC में भी ऐसे डिजाइन है, तो जहाँ पर ये भी मिस ब्राउन जो थी उस समय ये बना था घंटाघर, और 6:20 हो चुका है समय जहाँ शाम का, और देखिए ये कैसे गाड़ी भगा कर ले आ रहा है, ये मेरी 40 पे चल रही है, जितनी स्पीड है उसी पे चला रहा हूँ, लेकिन वो 60 पर ले गया भगा कर, वो तो उसका चलान होना चाहिए था लेकिन मैं 40 पे चला रहा हूँ, लेकिन जो मेरे से तेज़ गाड़ी निकालेगा वो आप देख लीजिए कि कहाँ जहाँ पर कितना जाने के लोग स्पीड लिमिट का ख्याल करते हैं, और देखिए ये जो है ये आगे शीतला मंदिर भी जहाँ पर आएगा अभी, और देखिए नगर निगम का जोन ए जो है, देखिए जहाँ पर ये देखिए जहाँ पर ये आ गया शीतला मंदिर भी दिखा दो जहाँ पे, ये नगर निगम जोन ए है लुधियाना का, सबसे पहले मल्टी जो स्टोरी बना था जहाँ पर ये कॉरपोरेशन का दफ्तर, और ये है इस समय शीतला मंदिर, वो पार्किंग है जो लुधियाना में पहले बनी थी, खंडर बनने लगा है, वो खंडर हो रहा है, और देखिए जहाँ पे धीरे धीरे चल रहे हैं, मैंने दिखाया है ना जो भागा कर ले जा रहे हैं गाड़ी 60 से ज़्यादा जितने भी हैं, 40 से ज़्यादा स्पीड वाले 60 की स्पीड पर भगा रहे हैं, और जहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते थे जहाँ पर ये फेंस लगा दिए इन लोगों ने, जहाँ से उल्लर के नीचे गिरते थे बंदे, अब फिर टूट गए वहाँ पर जो है इनके ग्रिल वगैरह, कोई पूछने वाला नहीं है, और वो देखिए शिवलिंग बना हुआ है सामने, वो दिखाइए वो शिवलिंग जो लुधियाना शहर में सबसे ऊंचा क्या पंजाब में सबसे ऊंचा जो शिवलिंग है वो देखिए गुंबद पर बनाया गया है, पंजाब में सबसे ऊंचा शिवलिंग, वो जो वाटर टैंक देख रहे हैं ना वो सामने, तो वाटर टैंक वो पानी वाली टैंकी जो है ये भी जितनी बनी थी कोई भी नहीं चली, इनमें से सभी में लीकेज हो रही है, और ये इधर दिखा इधर गांधीनगर दिखा दीजिए, ये गांधीनगर एरिया है जो होजरी की मार्केट है, यह गांधीनगर होजरी मार्केट है यहाँ पर सारी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए ये 60 पर देखिए कितनी उधर गाड़ी भगा रहा है, वो दिखा ये देखिए वो गाड़ी 100 पर भगा रहा है, वो देखिए स्पीड लिमिट 40 है लेकिन वो कितनी तेज भगा रहे हैं, ये लोग एक्सीडेंट करते हैं ऐसे, रैश ड्राइविंग हो रही है यहाँ पर, हम सिर्फ 40 पर चला रहे हैं वहाँ को, ये ओवरटेक कर करके भाग रहे हैं जहाँ पर, ये है टैंक पानी टैंक, ये सब फेल हो गए सब, ये पैसा बर्बाद हुआ करोड़ों रुपया हिंदुस्तान के जो लुधियाना का टैक्स है, और ये शिवलिंग है जो बना हुआ है सबसे ऊंचा, वो देखिए शिवलिंग है, तो उसके साथ ही ये इधर बाएं हाथ पर ये देखिए गाड़ी जो है, हम इसको ये हमारे आगे आ गया है गाड़ी वाला,
तो हम इससे थोड़ा सा और आगे गाड़ी लेकर जाएंगे अपना। और ये बुड्ढा दरिया का पुल आ गया, जिसके बारे में अक्सर बताता रहता हूँ। बुड्ढा दरिया है, ये पुल हम क्रॉस करेंगे, ये अंग्रेज़ों का बना हुआ पुल है जिसके ऊपर से मैं गुजरा हूँ। तो उसके बाद आगे चलकर जो है जलंधर बाईपास आएगा, वो सामने जलंधर बाईपास है और यहीं पर मैं ड्रॉप करूँगा बंटी को। स्लिम टापरी है बाएँ हाथ पर और दाएँ हाथ पर है तारावारा पेंट। और देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं आगे लेकर जाऊँगा, ये टैटू भी करें यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आगे मैं बढ़ता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता रहूँगा। और मैं वो पेट्रोल पंप के आगे से जाने के मैं टर्न लूँगा, वहीं पर मैं ड्रॉप करूँगा बंटी को। तो ये अपने घर जाएगा और मैं अपने घर जाऊँगा। तो देखिए फ्रूट की रेडी भी जहाँ लगी हुई है, सभी ये फ्रूट वाले यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। ऐसे फ्रूट वाले आपको इंडिया में हर जगह मिलेंगे, और ये लुधियाना में भी फ्रूट वाले ऐसे बैठे हैं। इंडिया इज वन, सब कोई एक जैसे है सब कुछ। देखिए ये फ्रूट वाले ऐसे बैठे हैं सारे इंडिया में, देख लो जहाँ भी, लुधियाना में भी ऐसे ही हैं, कलकत्ता में भी ऐसे मिलेंगे, मद्रास में भी ऐसे मिलेंगे, दिल्ली में भी ऐसे मिलेंगे, उड़ीसा में भी ऐसे मिलेंगे। ये फ्रूट वाले ऐसे ही हैं। बंटी इधर मोड़ ला हूँ मैं, किस होल के पास से जाना तू? चलो देखिए मैं इधर टर्न करूँगा, दाएँ बाएँ हाथ करूँगा भी मैं तो, अंदर को जाऊँगा ठीक है, उधर से अंदर चला जाऊँगा, तेरे को उतार दूँगा मैं। चलो ठीक है, अभी विश्राम लेते हैं। ठीक है बंटी, बंद करते भाई।